लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हज कमेटी की तरफ से हम आप तमाम जायरीन हज का फिर से इस्तकबाल करते हैं और हज बेतुला पर जाने वाले तमाम खातिन हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने टिकट, पासपोर्ट और डॉक्टरी सर्टिफिकेट दरवाजे पर दिखाने के लिए तैयार रहें। शुक्रिया। अरे आपको तो बुखार है, प्लीज मेडिकल चेकअप के लिए इस बाजू जाइए। आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरे बुखार की परवाह मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं, आपका ब्लड टेस्ट करना होगा। आपका ये बुखार मलेरिया, टाइफाइड कुछ भी हो सकता है। कानून के मुताबिक जब तक आपकी बीमारी का पता नहीं लगता आप सफर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, वो अल्लाह का दरबार है, वहाँ रहमत बरसती, बड़ी बड़ी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। आपकी बात सही है साहब, मगर मैं मजबूर हूँ। दो मुल्कों के बीच जो कानून की नजाकतें होती हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। आई एम सॉरी। मौलवी साहब कहाँ? वो रहे जनाब। अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मौलवी साहब, आप जरा इनसे कहिए मुझे हज पे जाने दें। देखिए, मेरी अम्मी जान की जान खतरे में है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और मैं बड़ी उम्मीद लेकर के परवरदिगार आलम की बारगाह में जाना चाहता हूँ। मौलवी साहब, मदीना मुनव्वरा हुजूर की जालियां पकड़कर गिड़गिड़ाऊंगा मैं, हिजरे अस्वद को चूम चूम कर मैं अपनी वालदा की जिंदगी मांगूंगा। आप जरा इनसे कहिए मुझे जाने दें। देखिए, ये आखिरी बोट जा रहा है। देखो बेटे, ये अल्लाह की मसलियत है। जब तक उसके दरबार से हुक्म नहीं आता, इंसान लाख कोशिश करे जा नहीं सकता। वो देखो, ये गरीब बूढ़ा आज 15 दिनों से यहां भूखा प्यासा पैसे इकट्ठे कर रहा है। जिद पर है कि मैं हज के लिए जाऊंगा, वरना हाजियों के कदमों में अपनी जान दे दूंगा। इसके सब कागजात तैयार हैं, लेकिन इसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे पास टिकट है, लेकिन तुम जा नहीं सकते। तुम हज्जो बदल क्यों नहीं कर लेते? हज्जो बदल? तुम अपनी जगह इसे क्यों नहीं भेज देते? इसकी दुआओं से तुम्हारी फरियाद वहां पहुंच जाएगी और तुम्हारी मां को नई जिंदगी नसीब हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई, बाबा, अल्लाह, क्या बात है बेटे? हाँ, आप हज पे जाना चाहते हैं? हाँ, वो सारी जिंदगी इंसानों का इम्तिहान लेता है, आज मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ। देखता हूँ उसकी रहमत कभी गरीबों पे भी बरसती है या नहीं, वो कभी बुलाता है कि नहीं। बुला लिया बाबा, बुला लिया। आप हज पे जाएंगे? मैं? हाँ बाबा, मैं अपने बदले आपको भेजना चाहता हूं, लेकिन वहां जाके मेरे लिए आपको दामन फैलाकर खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ मांगनी पड़ेगी। बाबा, कहिएगा कि मेरी वालदा की जिंदगी बचा ले, मेरी वालदा की जिंदगी बचा ले बाबा, मेरी वालदा की जिंदगी बचा ले। बरसों पहले मेरे बेटे ने मुझे हज करवाने का वादा किया था। आज ऐसा लग रहा है कि वही मेरा खोया हुआ बेटा अपना वादा पूरा कर रहा हो। हाँ, हज मुबारक हो बाबा। बेटे, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी वालदा को सलामत रखे। नर्स, माँ को होश आ गया। आपकी माँ की तबीयत अब ठीक है, आप इनसे ज्यादा बात ना करें, इन्हें आराम करने दें। बस एक मिनट।
दफर साहब, शराब पीने से इनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके। वैसे तो इंसान को एक गुर्दा ही जीने के लिए काफी है, लेकिन इनको जीते जागते इंसान के गुर्दे की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि एक बाप होने के नाते आप अपने बेटे को बचाने के लिए अपना एक गुर्दा जरूर देंगे। डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दे की बात अभी आपने की, कभी भूल कर इसका जिक्र इसके सामने या मेरी बीवी के सामने मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये मेरा अपना बेटा भी होता तो मैं इसे अपना गुर्दा बिल्कुल नहीं देता। तो क्या ये आपका अपना बेटा नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक बार मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी तो आप ही की तरह एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अगर मैं अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूं तो कोई बच्चा लाकर उसकी गोद में डाल दूं। और मैंने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए यतीम खाने से एक लावारिस बच्चा लाकर उसकी गोद में डाल दिया। न ये मेरा बेटा है और न मैं इसका बाप हूं। आइए सनी, ये कहां के? टोपी, कोट, जूता सब ले जाओ। ये पाटली खत्म हो गई, तू सटिंग लो। सनी, ये क्या कर रहा है तू? हॉस्पिटल गया था, पता चला तू वहां से निकल गया। तेरी तबीयत ठीक नहीं, तू चल यहां से। तू कौन होता मुझे यहां से ले जाने वाला? मैं तेरा बड़ा भाई हूं। सुन लो भाई लोग, ये मेरा बड़ा भाई है। अरे मेरे अपने माँ बाप का पता नहीं है, मेरा बड़ा भाई पैदा हो गया। तुझे क्या खा जा रहा मुझे बता, मैं तेरे सारे गम पी लूंगा सनी, लेकिन ये कभी मत कहना कि तू मेरा भाई नहीं। अपन दोनों की तकदीरें किसी मनहूस कलम से लिखी गई थी। हाँ नहीं सनी, ऐसा मत बोल। छोड़ यार, तेरी माँ होते हुए तुझे मेरी नहीं, मेरे होते हुए मुझसे बिछड़ गई माँ। तेरे मेरे बीच भाई के रिश्ते की जो नाजुक डोर थी ना, हाँ से वो भी टूट गई। हाँ चा, मेरे भाई चा। सनी, सनी, मैं दुनिया के सारे रिश्ते तोड़ दूंगा लेकिन तेरे मेरे रिश्ते को कभी नहीं टूटने दूंगा। यतीम का किसी से क्या रिश्ता हो सकता? मैं तो कानपुर के अनाथ आश्रम से लाया हुआ एक अनाथ हुआ ना। सनी, सनी तू जा, तू जा। नहीं सनी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोलता तू जा ना, जा। सनी, सनी। मामा, टैक्सी बुलाओ। ए टैक्सी, हमारा शख्स सही निकला, अंदर बैठा शराब पी रहा था, इसकी तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल ले जाना है इसे। संभाल के ना, दारू काय को पीता है। आज जब से इसे पता चला कि जफर साहब इसे कानपुर के किसी अनाथ आश्रम से उठा के लाए, तब से बैठा शराब पी रहा है। मेरा बेटा इकबाल, ये मेरा बेटा है, इसके पाँव के निशान मैं पहचानता हूँ, ये मेरा खोया हुआ बेटा। आपका बेटा? हाँ। मामा इसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए, इसकी किडनी बहुत खराब है। अरे मैं अपना गुर्दा इसको दूंगा। आपके हाथ में क्या है? ऑपरेशन थिएटर में आप अपने साथ तस्वीर वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते। क्या बात है? इकबाल भाई, ये मेरी महबूबा की तस्वीर है जो मुझसे बचपन में बिछड़ गई थी। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इससे भी मेरे शरीर के जब देख डायलॉग बोलता रहता है। अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा तू। आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? अरे पागल है,
कह रहा था अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके साथ इस तस्वीर को भी। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। ये तो मेरी तस्वीर है। तुम्हारी? हाँ, मेरी तस्वीर। बचपन में मैं और सनी एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये देखिए, और हम भी चढ़ गए। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ है। सनी, सनी। देख देख, आज शाम को हम लोगों ने यहाँ मंत्री जी के स्वागत के लिए एक प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम के साथ साथ अपनी शादी का प्रोग्राम भी हो जाए तो अच्छा रहेगा ना? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन शादी से पहले मुझे किसी का हिसाब चुकाना है। अरे, हिसाब चुकाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, लेकिन शादी के लिए ऊपर वाले ने जवानी के सिर्फ 4 दिन रखे। ये 4 दिन भी निकल गए ना तो समझ लो कि सिग्नल डा और अपनी गाड़ी गई। पार्वती, आशीर्वाद दो अपने बेटे को। मुझे तो अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया। पार्वती, आज तुम होती तो कितना अच्छा। ना, आपने अपने शरीर का हिस्सा देकर मुझे नया जीवन दिया है। आज से मैं आपको काम नहीं करने दूंगा बाबा, आज से मैं आपका बोझ उठाऊंगा। नहीं नहीं बेटे, भगवान ने तुझे पत्रकार बनाया। हम गरीबों पर जो जुल्म हो रहे हैं तुम अपने अखबार में छापोगे और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाओगे। इकबाल भाई, तड़ी। अरे, ये फोटो का कुछ था भाई? फोटो नहीं खींचूंगा तो पोस्टर कैसे छपेंगे? पोस्टर? हाँ, तुम इलेक्शन में जो खड़े होने वाले हो। मैं इलेक्शन में खड़ा होगा? इकबाल भाई, आप इलेक्शन में खड़े होंगे। ए ए ए, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? ये लीडरी वीडरी का जो चक्कर है उसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो हम है नहीं। अरे इकबाल भाई, ये तुमसे किसने कह दिया कि जो कुर्सी में बैठा सब पढ़े लिखे? एक बार कुर्सी में बैठ जाओ अपने आप ही अकल आ जाती है। हाँ, बैठो बैठो। अरे इकबाल बेटे, गरीबों की तकलीफें अमीर क्या जाने, रोटी क्या चीज होती है वो भूखा ही जानता है, और घर क्या चीज होती है वो बेघरी जानता है, और हमारे कुलियों की तकलीफ क्या है वो तो कुली ही जानता है ना। हाँ, वो तो ठीक है मामू, लेकिन मुझे भाषण देना नहीं आता। लो करो बस, दिन भर रेडियो की तरह बड़बड़ करता रहता, बोलता तो भाषण देना नहीं आता। अरे यार, लेकिन इलेक्शन में भाषण की नहीं पैसों की भी जरूरत पड़ती है, समझे? कहां से आएंगे इतने पैसे? पैसे से वोट खरीदा इकबाल भाई तो क्या खरीदा? सारे हिंदुस्तान के मजदूर तुम्हारे साथ होंगे इकबाल भाई, क्यों भाई हो? क्यों अल्लाह रखा, क्या बोलता है तू? ही अपनी पार्टी का निशान होगा और हमें जालिम सफर को हराना होगा जो कि सिर्फ नोट देकर ही वोट खरीद सकता है। हम वोट आप ही को दें। गरीबी का अंधेरा हटाओ, मशाल पे मोहर लगाओ। अगर आप लोग अपनी तरक्की चाहते हैं तो मशाल पे ही मोहर लगाएं। यही मशाल आपकी जिंदगी में रोशनी कर देगी। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बस्ती में नल लग जाएंगे, पक्की सड़कें बन जाएंगी। इसके उम्मीदवार है आपके जफर खान, डिकोस्टा मिल के जाने माने मालिक जफर खान। वोट फॉर जफर खान, वोट फॉर जफर खान, वोट फॉर मशाल। यही मशाल आपकी जफर। तुम? हाँ, असलम भाई। हाँ, आप आइए आइए। अरे हाँ, मैं असलम भाई। आप जब से जेल से निकले मैं सुबह शाम आप ही को तलाश कर रहा हूँ अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आपके बीवी और बच्चा जिंदा हैं। जिंदा हैं? हाँ। कहाँ है वो? मेरे पास है, चलिए मैं मिलाता हूँ।
या अल्लाह। तुझे इलेक्शन के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचने दूंगी। जिंदाबाद तो है आप लोग जिन्होंने आज मुझे इन अमीरों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म से उठाकर इलेक्शन प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। हां पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? तुम एक गरीब कंवार अनपढ़ इन लाखों लोगों की मांगे पूरी कर सकते हो, इनकी समस्याएं दूर कर सकते हो, इनको घर दो वक्त की रोटी दिला सकते हो। कोई माई कलाल किसी को दो वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो मालिक है जिसने हर इंसान को दो हाथ दिए और कहा है कि चीर दे जमीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। मगर आप लोग हम गरीबों का सीना चीर कर हमारे हिस्से की भी रोटी निकाल लेते हैं, हमारा खून निकाल लेते हैं, और आपका बस चले तो हमारी आत्मा भी निकाल कर बेच देंगे। तुम समझते हो सारी दुनिया तुम्हारे कंधों के जोर से चलती है? 1 करोड़ गरीबों को पालने के लिए 1 अमीर का होना बहुत जरूरी है, इसलिए मान लो दुनिया का कोई भी काम अमीरों के बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कभी किसी अमीर को सरहद पर गोली खाकर मरते हुए सुना है? अरे वो गरीब ही होता है जो सरहद पर अपने सीने पर गोली खाकर देश की आन बढ़ाता है। ये दुनिया अमीरों से नहीं, हम जैसे लोगों से चलती है, क्योंकि ताजमहल से लेकर एक छोटा सा घर भी मेरे जैसे किसी गरीब भाई ने अपने कंधों पर पत्थर ठोकर बनाया है, किसी अमीर ने नहीं। अमीरों ने तो जो कुछ भी बनाया है वो रिश्वत या रिश्वत के बलबूते पर बनाया है। कोई 10 रुपए में वोट खरीद लेता है, 100 रुपए में कोई अपनी अर्जी पास करवा लेता है, 1000 रुपए देकर कोई अपना इम्तिहान पास कर लेता है, लाखों रुपए देकर ये लोग अपना टेंडर पास करवा लेते हैं। अरे मैं तो कहता हूं सबसे पहले इन रिश्वतखोरों को पहल कराओ, तब जाकर के ये मुल्क पास होगा। अरे बेटा इसको बंद करो वरना मेरा हार्ट बंद हो जाएगा। ये सब पर आया क्यों? डैड, क्या इसका जवाब भी मुझे ही देना होगा? नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें। डैड, ये खून ये जख्म इस कुली के मेहरबानी का नतीजा है। ये नहीं चाहता था कि मैं आप तक पहुंच सकूं, इसलिए इसने अपनी माशूका के जरिए मुझ पर गोलियां चलवाई। ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो जाकर देखो पुलिस स्टेशन में कौन बंद है। लेकिन जिन्होंने हम पे गोलियां चलवाई हम उन पे फूल बरसाएंगे। फौरन उस तरफ मत देखना, मेरी बात सुनने के बाद देखना। तुम्हारा बाप असलम जिंदा है और इस वक्त मेरे कब्जे में है।
मेरे अब्बा। वो सामने प्लेटफॉर्म पे जो बूढ़ा आ रहा है वो। तुम्हारे बाप की जिंदगी इस वक्त मेरे कब्जे में है, इसलिए सिलेक्शन से अपना नाम वापस ले लो, वरना। क्या हुआ इकबाल बेटे? मामा, वो जो सामने खड़े हैं क्या वो मेरे अब्बा हैं? असलम भाई? हाँ बेटे, ये तुम्हारे अब्बा ही है। आइए आइए जफर साहब, वेलकम वेलकम। जफर साहब ने हार पहनाते वक्त इतना बड़ा काम करने का वादा किया है कि इस वक्त मैं न उनका मुकाबला कर सकता हूं और ना ही बयान कर सकता हूं। मेरी दुआएं उस तरफ उनके साथ हैं, इसलिए मैं अपना नाम इस सिलेक्शन से वापस लेता हूं और आप सबसे माफी मांगता हूं। भाई ने जफर साहब के मुकाबले से इसलिए अपना नाम वापस नहीं लिया कि जफर साहब ने आप लोगों के लिए वादे किए हैं, बल्कि जरूर जफर साहब ने इकबाल भाई को धमकी दी होगी। यह जफर की असलियत क्या है आप इनकी जबानी सुनिए साहिबान। मेरे सरताज, इकबाल के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम। भाइयों, ये बोलने कैसे लग गई? ये लोग जो आपके मम्मी, जफर के खिलाफ कुछ मत कहना, अब्बा की जान खतरे में। जिस अल्लाह की रहमत, मेरे खोए हुए बेटे को मुझसे मिला दिया, वही मेरे शोहर को सलामत रखेगा। जनाब जफर साहब, मेरे बोलने पर आपको ताज्जुब हो रहा है ना? ये अल्लाह का करिश्मा है, कुरान मजीद का मौजिजा है कि उसे सही वक्त पर मेरी याददाश्त और जबान लौटा दी। सामने वालों के माइक्रोफोन के बाहर काट दो। भाइयों, ये आदमी जो अपने मामूली जख्म दिखाकर आप लोगों की हमदर्दियां खरीदने की कोशिश कर रहा है, हकीकत में वो जल्लाद है, जालिम है, इससे कई घर बर्बाद। बिजली के तार काट कर आज तुम सलमा की आवाज को नहीं रोक सकते जफर साहब। आज जब उसने ये आवाज दी है तो ये हर रेक के दिल तक पहुँच के रहेगी। भाइयों, ये मेरे बाप का कातिल है। 20 साल तक ये मुझे बिजली का शॉक दे देकर मेरी याददाश्त मिटाता रहा ताकि मैं अपने शोहर, अपने बेटे, अपने घर को याद न कर सकूं। हाँ, ये सच है कि इनको इलेक्ट्रिक के शॉक दिए जाते थे, मगर मैं कोई अपनी खुशी के लिए नहीं देता था, डॉक्टर के कहने पे देता था, क्योंकि इन्हें पागल बन के दौरे पड़ते थे। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए इनसे। भाइयों, मैं क्या बताऊं आपको, जफर साहब ने इनके शौहर की तलाश में अपनी सारी उम्र लगा दी, और जब इनको यह पता चला कि इनके शौहर जिंदा हैं, तो वो खुद उन्हें यहां ले आए ताकि आपके सामने, आप लोगों की मौजूदगी में, वो सालों से बिछड़ी हुई मियां बीबी को मिला सके। आज ऐसे फरिश्ते को गाली देना इंसानियत को गाली देने के बराबर। असलमिया, जाइए, आपकी बेगम आपका इंतजार कर रही है। जो कर रहे हो? मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। इलेक्शन में हमारा बहुत पैसा लग चुका है, वो सब डूब जाएगा, और अगर कहीं ये पब्लिक भड़क गई तो कौवों की तरह नोच नोच कर हमें खा जाएगी। जानम मजा, पब्लिक तुम्हारा पैसा, तुम्हारा इलेक्शन, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने जिंदगी में हारना सीखा नहीं है। अगर सलमा मेरी नहीं हो सकी तो जीती जी किसी की नहीं हो सकेगी। बेटी,
जल्दी करो, मुझे लगता है यहां को गड़बड़ होने वाली है। आमिर डॉक्टर, सिग्नल मिला है। इकबाल बेटे, ओ ओ बाबा, हमें स्टेज तोड़कर जाना होगा। नाम है, देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। चार गोली, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। محمد رسول الله محمد
رسول بس امی جان تیری زبان سے یہ بیٹا لفظ سننے کے لیے زندہ ہوں. ایک بار پھر مجھے بیٹا کہہ کر بلا دے ماں. آج پرسوں بعد تجھے گلے لگائے میرے بچے, مجھے چھوڑ کر مت جا, مجھے چھوڑ کر مت جا میرے بچے. نہیں انسان کا آنا یا جانا اس پہ ہے. مبارک ہو, اب آپ کے بیٹے کی جان خطرے سے باہر ہے. شکر ہے مالک تیرا. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ. زندہ باد ہیں آپ لوگ. میں تو چلا گیا تھا, لوٹ آیا آپ سب لوگوں کی دعا سے. Thank you.